लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूत करने में लगी है। जनमत से लेकर बीजेपी की कमर तोड़ने तक की राजनीति तैयार कर चुकी है। ऐसे में चुनाव के नजदीक आते ही हर पार्टी को एक डर सताने लगता है, और वो है कि नेताओं की खरीद फरोख्त का। ऐसे में हाल ही में कमलनाथ विदेशी दौरे पर थे, फिर जैसे ही कमलनाथ वापस आए तो पीएम से मुलाकात की अटकलें बढ़ गईं, जिसके बाद कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हुई। सियासी पारा अचानक ही बढ़ गया, जिस पर विराम लगाते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी से बंधा नहीं है। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही है, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तो दूसरी ओर लोकसभा में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार का खामियाजा भरना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पर इन दिनों ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, लिहाजा अब वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और कांग्रेस के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। आज हमारे 29 लोकसभा के जो प्रभारी हमने नियुक्त किए थे, उनकी रिपोर्ट पे चिंतन और मंथन है। कई लोकसभाओं में 8 नाम 9 नाम आए हैं, तो यहाँ पे उन्हें निर्देश दिया कि शॉर्ट लिस्ट यहीं पे करो, 2 नाम 3 नाम की पैनल बनाओ, ताकि हम हाईकमान को अगली जब बैठक होगी 15 दिन बाद, तो सिंगल नाम करके हम हाईकमान को सौंपे, टिकट यहीं से बटेगी, इसलिए ये आज की बैठक है। क्या लगता है सर, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी कर देगी एमपी में? देखिए, आज मैं समझता हूँ कि आज बैठक में 8-8, 9-9 नाम की जगह 2-2, 3-3 नाम हो जाएंगे। 15 दिन बाद लगभग मैं सोचता हूँ बैठक फिर से होगी, उसमें ये निर्देश हैं कि अगली बैठक में ये नाम सिंगल सिंगल हो जाना चाहिए। हाई कमान पर नहीं छोड़ना है कि हाई कमान तय करेगा, यही तय हो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा बीजेपी लगातार रोड शो, बैठकें और जनता के बीच में उतर कर काम कर रही है। ऐसी ही एक बैठक बीजेपी ने भोपाल में की, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई बड़े चेहरों ने हिस्सा लिया और लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति पर विचार किया।